सचिव महोदय राजस्थान ने सभी उपखंड अधिकारियों से क्षेत्र की दो संस्थाओं का निरीक्षण और उस निरीक्षण के दौरान चर्चा का वीडियो बनाकर भिजवाने के निर्देश के क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से आज उपखंड अधिकारी कनवास श्री राजेश डागा ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरा स्टेशन आंगनबाड़ी केंद्र मोरू कला का निरीक्षण किया, जहां प्रधानाचार्य से मुस्कान दो और स्कूल की अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी ली तथा स्कूल के बच्चों से मास्क व पढ़ाई के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। सभी बच्चों ने मास्क लगा रखे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा था। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों और गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषाहार के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद मोरू कला के माध्यमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र मोरू खुर्द पर भी जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोरू खुर्द स्कूल के और सड़क के बीच बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ पाया गया। स्कूल का निर्माण 1959 में होना बताया गया था, परंतु पटवारी हलका ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि स्कूल के नाम आवंटन नहीं हो रखी है और अभी भी सिवाय चक दर्ज है। पटवारी हलका और प्रधानाध्यापक को आवंटन की प्रक्रिया शुरू करवाने, सड़क और स्कूल के बीच के बाड़े का अतिक्रमण हटाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। कनवास के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों को राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे पोषाहार सामग्री का भी वितरण किया गया। अभी आपके इस सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं? टोटल कितना है रजिस्ट्रेशन? 47। और अभी कितना मार्क होंगे? 67। तो आप सभी मास्क लगा भी आ रहे हो? तो बाहर सैनिटाइज वगैरह करके फिर अंदर आते हो? और थोड़ी थोड़ी देर में जब एक पीरियड खत्म होता है उसके बाद हाथ धोते हो नहीं धोते? हाथ धोना जरूरी है, ठीक है ना, हर एक घंटे में हाथ धोना है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती आप लोगों को तब तक और उसके बाद भी सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि कोरोना से बचाव का जो उपाय है ना वो सिर्फ एक ही, लगातार आप हाथ धोते रहें और मास्क पहन कर रखें। घर पर भी आप जाने के बाद में मास्क को तो बाहर नहीं जाते, घर के बाद भी वापस निकलते तो मास्क पहन के बाहर निकले, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा पेपर में भी कि कितने लोग कोरोना की वजह से मर गए हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं कि बुजुर्ग व्यक्ति मरेगा या बच्चा नहीं, बच्चे को नहीं होगा, इसलिए इसमें किसी एज का कोई मतलब नहीं है, हर व्यक्ति के, हर उम्र के व्यक्ति के भी ये हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप जब ये कोरोना काल था, स्कूल बंद थे, तब घर में आप क्या कैसे पढ़ रहे थे? और स्कूल से भी आपको वो जो है मेटेरियल मिलता था, जैसे वर्क मिलता था, वर्क फ्रॉम होम करते वैसे ही आपको वर्क मिलता था। और अब जब स्कूल आ रहे हो तो आपको जो है कोर्स पूरा करने के लिए क्या हो रहा है, क्या कैसे पढ़ा रहे हैं हम आपको? चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं ना? तो इसमें अभी कुछ कोर्स कम किया, जैसे पूरा कोर्स आएगा एग्जाम में, एग्जाम जो होगा तो कोर्स पूरा आएगा, कम आएगा? कम आएगा। तो आपको पता है क्या क्या कम हुआ है?